Assalamualaikum, मेरा नाम है अम्मा एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ अम्मा। आज हमारी वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे पेंट्स विद क्रेयॉन्स। जिन बच्चों के पास क्रेयॉन्स नहीं है वो फूड कलरिंग भी ऐड कर सकते हैं पेंट्स में। और मुझे अभी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये फन एक्टिविटी को। मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल पे अभी सारी चीजें चाहिए जो मुझे चाहिए थी। तो सबसे पहले बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। ये हमें बॉक्स चाहिए। इसके अंदर हम पेंट को पोर करेंगे। अगर आपके पास कोई और भी कंटेनर हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इवन आप आइस क्यूब ट्रे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और यहाँ पर है क्रेयॉन्स, और ये है सॉल्ट, और ये है फ्लोर, और यहाँ पर है स्पून जिससे हम मिक्स करेंगे क्रेयॉन्स को जब वो मेल्ट हो जाएंगे। और ये है टिश्यू पेपर जिससे अगर हमारी टेबल खराब हो गई हो तो मैं इससे साफ कर लूँ, हाथ भी साफ कर लूँ। और ये है क्लिंग रैप जिससे हम इस टेबल को बिछाएंगे, टेबल को कवर करेंगे इस क्लिन रैप से। और ये है कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर है और मम्मा खुद हॉट वाटर से करेंगी क्योंकि मैं अभी तो छोटी हूँ ना, इसलिए बच्चों को नहीं अलाउड नहीं होता कि बहुत तेज गर्म पानी यूज करें। और आप भी अपने मम्मी पापा या किसी बड़े से हॉट वाटर की हेल्प लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट मेकिंग पेंट। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी जल्दी से करते हैं। टीस्पून ऑफ फ्लोर, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और अब मैं इन दोनों को बोल में डालूंगी और 2 टीस्पून ऑफ वाटर इसके अंदर डालकर मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब मैं 2 टीस्पून ऑफ वाटर डालूंगी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है, कोई लम्स ना रहे। नाउ द पेस्ट इज रेडी। नाउ द पेंट्स आर रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल ऑफ वाटर लाइक दिस, लिटिल वाटर, एंड आई एम गोइंग टू पोर द थर्ड वन, the hot, this is hot water, and mix it well. I'm going to pour this liquid in this melted crayon like this. I'm going to mix it. And now I'm going to mix it. Will you see? Now the color is ready. Now you can see the mixture is so beautiful. And now I'm going to put this red food coloring. Now I will make one with the food color. As you can see, the mixture is coming and it's looking so beautiful.
क्योंकि मैंने इन दोनों को फूड कलरिंग से बनाया है और इन दोनों को क्रेयॉन से, और आप देखते हैं कि इन इनमें से किसका मिक्सचर अच्छा है। सबसे पहले मैं ब्लू को ट्राई करूंगी। ब्लू का मिक्सचर बहुत अच्छा है। अब मैं ट्राई करूंगी रेड। रेड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मैं लूंगी पर्पल और देखते हैं जिसको हमने क्रेयॉन से बनाया है। पर्पल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब देखते हैं ऑरेंज क्या करता है। ऑरेंज का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बताइएगा कि और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मिक्सचर आपके घर में कैसे है। मैं इनको, ये जो मैंने क्रेयॉन से और फूड कलरिंग से बनाया है, इनका जो रिजल्ट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।